जय हिंद मेरे देश के सभी एनसीसी कैडेट्स को। यह वीडियो सभी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए बेहद खास है, जो कि एनसीसी के साथ साथ डिफेंस को भी अपना करियर बनाना चाहते हैं। पर सबसे खास है एनसीसी वालों के लिए, जो कि लाखों बच्चे ऐसे हैं जो एनसीसी ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और सर्टिफिकेट लेते हैं। बट वाकई में इस चीज का एग्जैक्ट फायदा क्या है, एनसीसी करने के असल में आपको फायदे क्या हैं, आज इन विषय में हम सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। बहुत से कैंडिडेट हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि एनसीसी ट्रेनिंग करके आप इंडियन आर्म फोर्सेस में और पैरामिलिट्री में कौन कौन से बेनिफिट पा सकते हैं और किस तरीके आप आर्म फोर्सेज में भी, दैट मीन आर्मी नेवी एयरफोर्स में भी और पैरामिलिट्री फोर्सेज में, चाहे OBSF, CRPF, ITP, PSSB, CIS, सब कोई भी फोर्सेज हों, उनमें आखिर कैसे आपको बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और एनसीसी करने का वाकई में क्या फायदा है, जिससे इन सारी एंट्रीज में आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीसी के ज्वाइन करने के प्रोसेस को समझेंगे, एनसीसी के बेनिफिट को भी समझेंगे और टेक्निकली हर बात समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनसीसी ज्वाइन करके कैसे आप देश की सेवा कर सकते हैं और हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके तहत स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं, या एक वॉलंटरी प्रोग्राम होता है। दैट मीन आप इसको इच्छा से कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। एनसीसी में ट्रेनिंग की ड्यूरेशन 3 साल की होती है। एनसीसी में 2 विंग होते हैं, जूनियर विंग और आप सीनियर विंग। एनसीसी जूनियर विंग ज्वाइन करने के लिए किसी भी कैंडिडेट की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो मिनिमम 13 इयर्स की होनी चाहिए और इसकी ट्रेनिंग पीरियड 2 साल की होती है। एनसीसी सीनियर विंग ज्वाइन करने के लिए किसी भी कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो हो सकती है वो 26 साल तक होनी चाहिए, पर इसकी ट्रेनिंग पीरियड 3 साल तक की होती है। एनसीसी में ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट्स को उन स्किल्स की ग्रोथ होती है जो इंडियन आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बनने के लिए जरूरी होती है। आपको उन टेक्निक को सिखाया जाता है जो इंडियन आर्म फोर्सेज में आपकी सफलता को ज्यादातर सुनिश्चित कर देती है। एनसीसी ट्रेनिंग ड्यूरेशन के अनुसार कैडेट्स को सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, जिनमें A, B और C सर्टिफिकेट के नाम से हम जानते हैं। इन सर्टिफिकेट में सबसे वैल्यूएबल एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है और किसी भी बच्चे का लक्ष्य एनसीसी सी सर्टिफिकेट को पाना होता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर होने के लिए किसी भी कैंडिडेट का टोटल ट्रेनिंग में 75% अटेंडेंस होना अनिवार्य होता है। दैट मीन जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनका मिनिमम 75% अटेंडेंस होगा, तभी वो सी सर्टिफिकेट के भागीदार होंगे और उसके प्रार्थी होंगे। साथ ही साथ कैंडिडेट ट्रेनिंग के 3rd साल में होना चाहिए और नेशनल लेवल की ट्रेनिंग में उसका मिनिमम 2 बार पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए। अब जानते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को इंडियन आर्म फोर्सेस एग्जाम में क्या बेनिफिट मिलता है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर को अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेड्समैन में सीईई एग्जाम में 5 नंबर का बोनस मिलता है। जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपके 5 मार्क्स के बेनिफिट होते हैं और ये बेनिफिट जारी रहेंगे भले आपका सीईई एग्जाम पहले हो या फिर बाद में हो। जैसे आपको पता है कि इंडियन आर्मी के न्यू सिलेक्शन प्रोसीजर में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो अभी तक होता था वो पहले कंडक्ट किया जाएगा और फिजिकल आपका 2nd स्टेप पे होगा, बट जो फैसिलिटी एनसीसी सर्टिफिकेट्स को मिल रही थी वो उन्हें मिलना बादस्तूर जारी रहेंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर्स को अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में 10 नंबर का बोनस मिलता है। वहीं जब हम एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स की बात करते हैं तो अगर वो अग्निवीर, जीडी और ट्रेड्समैन के लिए जा रहे हैं तो उन्हें कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सी सर्टिफिकेट होल्डर्स की बात कर रहा हूं। और उनको साथ ही साथ अगर हम टेक्निकल और क्लर्क कैटेगरी और स्टोर कॉपियर की बात करें तो वहां पे 15 मार्क्स का आपको बोनस मिलता है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है और आपकी सफलता को सुनिश्चित कर देता है। अगर किसी कैडेट के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और साथ ही साथ उसने रिपब्लिक डे परेड में भी भाग लिया है तो उसे अग्निवीर, क्लर्क हो, टेक्निकल हो, स्टोर कीपर हो, ट्रेड्समैन हो, जीडी हो, कोई भी कैटेगरी में उसको किसी भी तरह का रिटन एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। वो फिजिकल क्लियर करके सीधा मेडिकल होते हुए इंडियन आर्म फोर्स में इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकता है। बात करें नेवी की, इंडियन आर्मी के बाद नेवी की बात करें तो अगर नेवी में आपने एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो 2 मार्क्स का आपको बेनिफिट मिलेगा जब भी आप नेवी के एग्जाम के लिए प्रोसेस करेंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर आप हैं तो 4 नंबर का आपको बेनिफिट मिलेगा और एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर आप होल्डर हैं तो 6 नंबर का बोनस मिलेगा। अब यहीं हमारे जितने भी इंडियन एयरफोर्स के बच्चे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि अगर एयरफोर्स विंग में आपने एनसीसी किया हो तो उसके बेनिफिट क्या है, तो चलिए जानते हैं। अग्निवीर वायु यानी एयरफोर्स की हम बात करें तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स को 3 मार्क्स का बेनिफिट मिलता है। वहीं एनसीसी बी सर्टिफिकेट जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 4 नंबर का जो है यहाँ पर बोनस मिलता है। और अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट एयरफोर्स विंग में आपने कंप्लीट किया है अपना तो उसके लिए आपको 5 नंबर का बोनस मिलेगा। इसके अलावा हर साल इंडियन आर्मी एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स के लिए डायरेक्ट एंट्री भी निकलती है, जिसके माध्यम से कैंडिडेट को बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के डायरेक्ट SSB का मौका मिलता है। साल में 2 बार क्रमशः आपके फॉर्म आते हैं। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
हाँ, ग्रेजुएशन में भी आपके 50% रिक्वायर होते हैं ओवरऑल, बट उसके बाद आपको डायरेक्ट SSB का मौका मिलता है फॉर्म अप्लाई करने के बाद। साथ ही साथ और भी एग्जाम है, जैसे हम सीरियस एग्जाम की बात करें, सीरियस एग्जाम को जो है क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग एकेडमीज में NCCC सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो 13-15 वैकेंसीज NCCC सर्टिफिकेट्स वालों के लिए रिजर्व है। इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो 5-8 नेवी विंग में कंप्लीट करने वाले बच्चों के लिए। एयरफोर्स NCC विंग की हम बात करें तो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स जो होते हैं उनके लिए 10% सीट्स को रिजर्व रखा गया है। और पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें NCCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 5% का बोनस मार्क्स मिलता है। तो ये थी NCCC ट्रेनिंग लेने के फायदे और NCCC सर्टिफिकेट पाने का फायदा। अगर आपके स्कूल कॉलेज में NCCC ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप अपने प्रिंसिपल से मिलकर इस ट्रेनिंग में जरूर भाग लें आप। अगर ऐसा नहीं है तो नजदीकी आप NCCC ग्रुप हेडक्वार्टर में संपर्क करके इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। आई होप आपको NCCC की ट्रेनिंग और इसके बेनिफिट्स का पता चल गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए और बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देश के हर NCCC कैडेट्स के पास ये जाना चाहिए और उनका मोटिवेशन बढ़ना चाहिए कि आखिर NCCC करने के उनको कितने फायदे मिलते हैं और कैसे इंडियन आर्म फोर्सेस उनके करियर अपॉर्चुनिटीज को फोर्स के अंदर बढ़ा देती है, NCCC सर्टिफिकेट्स होल्डर होते हैं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल NCCC के विषय में। बाकी और किसी तरह की क्वारी जानकारी के लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आएं और मैं समझ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद।